केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। चुनावी मौसम है, मौसम का मिजाज भी थोड़ा थोड़ा बदला दिख रहा है, ठंड कम हो रही है और गर्मी दस्तक दे रही है, क्या कहेंगे सर चुनावी मौसम में? धीरे धीरे मौसम तो गर्म हो भी रहा है और चुनाव का भी मौसम गर्म हो रहा है, और मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से चुनाव का मौसम गर्म हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन और ऊपर उठती चली जा रही है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि महाराजगंज में और पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहले से अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। जिस तरह से देखा जाए कहीं जातिगत समीकरण सेंधा जा रहा है, कहीं विकास की बात की जा रही है, क्या लगता है आपको कि इस जिस तरह से 2017 में प्रचंड बहुमत से आई थी बीजेपी, इस बार लोग क्या मिजाज बना रहे हैं, किस चीज को लेकर वोट डालेंगे और आपकी सरकार पूर्ण बहुमत में बनेगी? देखिए, हम लोग गांव में जो जा रहे हैं तो जो महिलाएं हैं खासतौर से या पुरुष भी, दोनों लोग विकास की बात कर रहे हैं, और 2014 से 17 के बीच हम लोगों ने जो कार्य किया था, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिला था, उसके आधार पर 2017 में अपार बहुमत हमें मिला था। अब 17 से 22 तक जो उन कार्यों को हम लोग और आगे बढ़ाए, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव बहुत तेज नीचे आम जनता के मन में है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पहले से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। देखा जाए कमोबेश इस इलाके की बात की जाए, बाढ़ का क्षेत्र कहा जाता है, इस इलाके में बाढ़ आती है, बुनियादी सुविधाओं को लेकर जिस तरह से देखा जाए 17 से पहले की तस्वीर अलग थी, सड़कें बड़ी बदहाल थी, आज मैं बहुत तेज फर्राटे से आ गया है आपके पास, क्या लगता है और क्या इंप्लीमेंट होना चाहिए और रोजगार को लेकर आप क्या सोचते हैं यहाँ के युवाओं को लेकर? देखिए, जहां तक महाराजगंज का सवाल था, आपने मेरे अपने जवाब का उत्तर स्वयं दे दिया कि बहुत फर्राटेदार आ पाए। महाराजगंज में गोरखपुर सुनौली के अलावा कोई भी शुद्ध सड़क नहीं थी। आज जनपद में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी भी मुख्य सड़कें हैं सभी कहीं ना कहीं 7 मीटर और 10 मीटर टाप की बनी हुई हैं। इंटरनल सड़कों का भी भारी विकास हुआ है, बिजली का खंभा लाखों की संख्या में यहाँ लगा है, तो आज कहीं ना कहीं सभी गांवों में और सभी टोलों पे बिजली पहुंच चुका है और लगभग सभी घरों में विद्युत का कनेक्शन हो चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में कायाकल्प योजना के तहत जितने भी विद्यालय थे सबका कायाकल्प हुआ है, जो प्राइमरी में पढ़ना नहीं चाहते थे आज कहीं ना कहीं गांव के लोग प्राइमरी में भारी मात्रा में दाखिला करा रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऑलरेडी यहां पर पीपीपी मॉडल पे मेडिकल कॉलेज की घोषणा मुख्यमंत्री जी द्वारा हो गया है, चुनाव ना होता शायद अब तक शिलान्यास हो गया होता। तो ऐसी तमाम चीजें हैं, जहां तक रोजगार का सवाल है, अब जाकर के महाराजगंज में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, चाहे वो रोड का हो चाहे बिजली का हो, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्द यहां पर रोजगार के दृष्टिकोण से कोई कल कारखाना लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जी वही बात कर रहा था मैं कि कोई बड़ा कारखाना, बड़ा इंस्टीट्यूट, कोई चीज यहाँ पर उपलब्ध होने की क्या लगता है? आप जैसे केंद्र में हैं तो ऐसे में क्या चीज आपने प्लानिंग की है कि हम अपने इलाके में कोशिश करें कि यहाँ पर वो चीज आनी चाहिए? देखिए, जो हमारा फरेंदा शुगर मिल है वो कहीं ना कहीं एनटीसी का शुगर मिल था, बंद पड़ा हुआ है, मैं उस पर लगा हूँ कि जल्द से जल्द वो चालू हो, और एथेनॉल की इस समय देश में भारी डिमांड है और उसका रॉ मटेरियल हमारे जिले में है, चाहे गन्ना हुआ चाहे चावल हुआ, दोनों चीजें हैं, मैं उस पर प्रयास कर रहा हूँ कि अब सफलता जब तक ना मिले तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्रयासरत हूँ कि कोई ना कोई एक दो इंडस्ट्री यहाँ पर लगे। क्या लगता है कि विपक्ष जिस तरह से एकजुट हुआ, दो जोड़ी दिखने को मिल रही है, ऐसे में क्या लग रहा है कि वो जोड़ी कुछ कर पाएगी या फिर बीजेपी पूरी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में पहले भी दो लड़कों की जोड़ी चली है, बुआ भतीजी की जोड़ी चली है, अब दो लड़कों की जोड़ी फिर आई है, और हर बार भारतीय जनता पार्टी इनको शिकस्त देने का काम किया, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जोड़ी काम आने वाली नहीं है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से फिर सरकार बनाएगी। आप जिस तरह से बात की जा रही थी कि विकास को लेकर, क्या लगता है कि लोग किस चीज को लेकर, जिस तरह से कह रहे थे आपकी विकास ही एक एजेंडा है, इस पूरे इलाके की जो तस्वीर 2017 से पहले थी, अब जो परिवर्तन हुआ 2022 में, क्या सोचकर लोग इस इलाके के लोग वोट डालेंगे? देखिए, विकास मोदी जी का लक्ष्य है कि देश का हर आदमी जो मूलभूत सुविधा है उसको मुहैया कराया जाए, और कोविड काल में जिस प्रकार से पूरे दुनिया पे और भारतवर्ष में संकट आया
और उसको जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने हैंडल किया, एक तरफ जान है जहान का नारा दिया, मैं धन्यवाद दूंगा देश की जनता को कि प्रधानमंत्री जी के निवेदन को लोगों ने स्वीकार किया और 50 दिनों तक पूरा देश ठप रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी अपने कर्तव्यों का पालन किया कि 50 दिन अगर देश ठप है तो जो डेली कमाते हैं और डेली अपने परिवार का पेट भरते हैं जी। उनकी भी चिंता कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने करने का काम किया और लगातार आप देखिए कि 2 साल से मुफ्त में राशन सबको दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सहारा उनको है कि जिनका रोजगार गया है, जो ठेला वाले थे, खोंचा वाले थे, उनका दुकानदारी खत्म हो गया था, उनको एक सहायता देने का काम किया। जो प्रवासी मजदूर हमारे लौट के आए, करीब 23 लाख प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में बाहर के प्रदेशों से लौट के आए और सबके खाते में 1000 रुपया मदद के तौर पर देने का काम किया गया। जो हमारी माताएं बनी थी, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाता में 500-500 रुपया 2 मरते डलवा करके, वो गृहिणियों को जो घर चलाती हैं उनको भी सहायता देने का हम लोगों ने प्रयास किया। रेहड़ी पटरी वालों का जहां तक रोजगार समाप्त हो गया था, उनका पूंजी खत्म हो गया था, उनको कहीं ना कहीं रेहड़ी पटरी वालों को बिना किसी सिक्योरिटी के 10,000 तक का लोन दे करके उनको फिर से जीवांत करने का हम लोगों ने कार्य किया। एमएसएमई सेक्टर को भी बहुत बड़ी सहायता भारत सरकार ने दिया ताकि जो हमारे एमएसएमई सेक्टर के जो रोजगार फैक्ट्री थे बंद थे उनको सहायता देकर के चलाने का प्रयास किया गया। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं जनता को ये टच करती है कि जो भारत के लोग थे जो पूरे देश में फंसे थे उनको घर तक पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया, जो विदेशों में फंसे थे 61 लाख लोगों को विदेश से लाकर उनके घर पहुंचाने का काम किया। तो ये जो हमारा कार्य है, जो हमारा सेवा है, उसको देख करके आज 17 से बड़ी लहर 19 में 22 में निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में चलने वाली है। बिल्कुल, तो साफ कहना है कि जिस तरह से 17 से लेकर 22 तक हमने काम किया है, उस काम को लेकर जनता हमारे साथ खड़ी है और 22 में 17 से ज्यादा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, ये कहना है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी का, जो कि खुद यहाँ महाराजगंज के रहने वाले हैं। ऐसे में इन्होंने 17 की सड़कें देखी थी, 17 से पहले की सड़कें देखी थी और अब 22 में वो सपना सजोए हुए हैं कि हम हमारी सरकार आएगी तो हम यहाँ के लिए एक बड़ी इंडस्ट्रीज लाएंगे ताकि यहाँ के युवाओं को बाहर ना जाना पड़े और यहाँ रोजगार मिल सके। कैमरामैन प्रतनेश राय के साथ अर्शद जमाल, महाराजगंज।